केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग सीमित करते हैं, भगवान राम को सीमित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ठग लोग हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव से कई महीने पहले ही चुनावी दंगल में उतर चुके हैं और सपा के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ ही इस चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए भी एक खास रणनीति पर काम कर रही है। वहीं इस बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। आज जब शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर पहुंचे और श्री राम की कांसे की मूर्ति का अनावरण व पूजन करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भगवान राम को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं, हर इंसान के कणकण में बसते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर भगवान राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का जो अनावरण हुआ और मैंने उनका अनावरण किया है, तो यहाँ के सभी नगर पालिका के सभी अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ सभी पार्षद धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सबके हैं, हमारे भी हैं, खासकर पत्रकार बंधुओं के भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, और हमने उनका अनावरण किया है, तो इनके आदर्शों पर हम सब लोग चलेंगे। अब बीजेपी के लोग तो ये कह सकते हैं ना सर कि समाजवादी पार्टी भी अब राम की शरण में? देखिए भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, भगवान कण कण में है। और यहाँ कितना ऐतिहासिक रामलीला होता है और हम हर साल उसका उद्घाटन करते हैं, और हमने और हमारी सरकार ने और हमने पैसा यहाँ दिलवाया था रामलीला के लिए, अभी तक इन्होंने पूरा भी नहीं करा पाई। अभी पूरा पैसा जितना हम स्वीकृत कर गए थे अपनी सरकार में करा गए तो उतना भी नहीं दे पाए, लेकिन तो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग सीमित करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे सबसे ये कहेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित मकर जाल में न फंसे। ये तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ठग लोग हैं। ये 2024 का संसदीय चुनाव जो आने वाला है, ओम प्रकाश राजभर भाई जी मेरा पकड़ो, कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे जनता पार्टी के परेशान हो चुकी है, ठीक है ठीक है, और पूरे देश की जनता ने अपना बना लिया, और यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी सेकुलर पार्टियों को लेकर के 80 भी विधानसभा पर 80 लोकसभा की सीटों पर लड़ेगी और 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का।